अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और हम देखते हैं बाहर क्या सीन्स हैं। हाँ, रौनक तो नज़र आ रही है। यही रमज़ान की शायद रौनक होती है कि इसमें इतने, देखो यहाँ से ही लग रहा है कि लोग लाइट्स बिल्डिंग्स की जलना शुरू हो गई। नॉर्मल डेज़ में नहीं होता है इतना, और सब उठना शुरू हो गए अब फर्स्ट सहरी के लिए। इतना अच्छा लग रहा है बाहर, इतनी रौनक हो रही है। ये मस्जिद भी नज़र आ रही है, देखो यहाँ पे पूरी उन्होंने सजाई हुई है। पराठे बन रहे हैं फर्स्ट सैरी में। पराठे और इधर कबाब फ्राई हो रहे हैं। वो सही है, जबरदस्त। अमायरा भी उठ गई है फर्स्ट सैरी में, परेशान है कि इतने जल्दी क्यों उठ गए ये लोग। अमायरा की भी मॉर्निंग हो गई है अभी अभी, तो अमायरा का ब्रेकफास्ट बन गया है, सूजी विद एप्पल। इफ्तार के लिए हमने छोले चढ़ा दिए बॉईल करने के लिए। इसको मैंने रात में पानी में सोक करके रख दिया था, अभी बॉईल हो रहे हैं। हम बना रहे हैं काले चने, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑयल ले लें। ऑयल में आप अनियन जब हल्का सा अपना कलर चेंज करेगी तो उसमें हम जो गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद रेड चिली और टर्मेरिक ऐड कर लें। इसमें जो हमारे बॉयल्ड काले चने थे ये हम ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर हमने ऐड कर दिया इसमें, इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा आप उसमें टैमरिंड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगता है, या नहीं पसंद है अगर टेस्ट, इट्स अप टू यू। हमारे माश की दाल का दही बड़े का बैटर बन गया है, अब इसको फ्राई करते हैं। ये माश की दाल के दही बड़े बन गए हैं, छोटे साइज के भी बना लिए हैं और बड़े साइज के भी। ये छोले भी रेडी हो गए, छोले भी रेडी हो गए, इससे पहले दही बड़े के बड़े भी रेडी हो गए। रमज़ान की रौनक वाकई भाई।
सिर्फ खाने पीने में नहीं, इसके अलावा भी बाहर भी पता चलता है शहरी का टाइम कितना रौनक हो रही होती है। आज हमने जो देखा था सुबह शहरी में, इफ्तार में, इफ्तार फिर उसके बाद, इफ्तार के बाद जो मस्जिद में जाने वालों का रश। मायरा मैडम भी ऐसे सो रही हैं इनकी जैसे इन्होंने ही रखा है रोज़ा बेखबर एकदम। और उधर भी खाना पीना रेडी है, सारी नमाज पढ़ रही है। ये किस चीज़ है? पकौड़ों के लिए ये सब पकौड़ों की वेजिटेबल्स हैं। ओके, ये बड़े सोक हुए हैं। बस आपने दही फेंट लिया ना, लिखा है कैसे सही किया। हाँ सही, कैसा काम किया? बहुत अच्छा, परफेक्ट। अब इसमें बस ये हम ये हमारे दही बड़े रेडी हो गए, डिश आउट भी हो गए। ये पकोड़ों की वेजिटेबल्स और ये इसका बैटर रेडी हो गया है। इसमें सब हमने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए, अब बस फ्राई करते हैं। मैं तो पकोड़े बना रही हूँ, बस इसकी तैयारी कर रही हूँ। आप क्या बना रहे? टैंग टैंग बन रहा है, एक स्पेशल टैंग बन रहा है। स्पेशल टैंग बनाया, मैं पकोड़े बनाती हूँ। आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और ये चेक कर बन गया आपका जूस। कॉकटेल बनाए इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए। बेहतरीन फ्राइड आइटम, इफ्तारी तो हमारी हो गई थी। तो अब हम लोगों ने सोचा थोड़ा रात को वॉक के लिए भी निकलें, तो हम लोग निकल आए वॉक के लिए। उधर डांस हो रहा है ना? हाँ, अरेबिक ट्रेडिशनल डांस होता है ना। यहाँ रमजान में बहुत रौनक हो रही है कस्बा में, अलग ही माहौल बना हुआ है। हाँ, बहुत खूबसूरत, चलते हुए दिखा यहाँ से चलते हुए। हाँ, वो आगे स्टॉल जाएंगे ना। चलने की जगह नहीं मिल रही है, इतना रश। हर रेस्टोरेंट में देखो, जिस रेस्टोरेंट में देखो सीट खाली नहीं है। हाँ, फुल है। ये सेमन एरिया आ गया, तुम्हारा फेवरेट। हाँ, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं ना, अलग कपड़ों के, ज्वेलरीज के, वो कुछ लगा हुआ है वहाँ सामने खाने का, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ये कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज का लगा हुआ है, आगे कहाँ पे वहाँ पे रखे हुए।
वैन क्लिफ के डिजाइन वाले सेम। हाँ ये कुछ है आइसक्रीम स्टॉल्स, ये बच्चों का प्ले एरिया है ना यहाँ पर। हाँ ये खाने पीने का था पीछे। अच्छा है। अच्छा, अच्छा वो हुआ है।